हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ, पूर्वकालिक क्रिया कृत्वा प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कृत्वा प्रत्यय। पूर्वकालिक यानी जो पहले हुई है, जो पहले हुई है क्रिया, क्रिया यानी जो भी हम काम करते हैं। कृत्वा प्रत्यय और उसमें कृत्वा प्रत्यय। जब एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया की जाती है, तब समाप्त होने वाली क्रियार्थक धातु से कृत्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। जब एक क्रिया, मतलब हम कोई एक काम करके या एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया की जाती, मतलब दूसरा कार्य किया जाता है, तब समाप्त होने वाली क्रियार्थक धातु से कृत्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। तब समाप्त होने वाली क्रियार्थक धातु में कृत्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। इसका हिंदी अर्थ है करके या कर होता है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? करके या कर। जैसे नहा कर, पी कर, खा कर, जा कर, है ना, या करके। आगे पढ़ेंगे। मुख्य क्रिया से पूर्व जो क्रिया की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से पूर्व जो क्रिया की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यह अपूर्ण क्रिया होती है। जैसे पी पीत्वा, पा धन कत्वा पी कर, ये क्या है? अपूर्ण क्रिया। क्या पी कर? कुछ नहीं पता है इसमें, है ना, इसलिए ये अपूर्ण है। भू कत्वा, भूज धन कत्वा यानी खाकर। स्नानत्वा, स्नाधन कत्वा स्नान करके। गत्वा, गम धन कत्वा जाकर। ठीक है, मुख्य क्रिया से पूर्व जो क्रिया की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यह अपूर्ण क्रिया होती है। इकार युक्त कृत्वा प्रत्यय। इकार युक्त ने जिसमें ई की मात्रा लगती है, इकार युक्त ने जिसमें ई की मात्रा लगती है वह प्रत्यय। ग्रह धातु धन कृत्वा प्रत्यय ग्रहित्वा यानी लेकर। पठ धातु, पठ क्या है? धातु, धातु यानी जो हम क्रिया करते हैं, पठ यानी पढ़ना। कृत्वा प्रत्यय तो पठित्वा यानी पढ़कर। वस धातु धन कृत्वा प्रत्यय वसित्वा यानी रहकर। सेव धन धातु, सेव धातु धन कृत्वा प्रत्यय सेवित्वा सेवा करके। याच धातु धन कृत्वा प्रत्यय याचित्वा यानी मांग कर। चूर धन धातु, चूर धातु धन कृत्वा प्रत्यय चोरित्वा यानी चुरा कर। पत धातु धन कृत्वा प्रत्यय पतित्वा यानी गिर कर। ठीक है, इन सब में क्या लगी है? ई की मात्रा। अब हम पढ़ेंगे इकार रहित कृत्वा प्रत्यय, मतलब इकार रहित ने जिसमें ई की मात्रा नहीं है वह कृत्वा प्रत्यय। क्रू धातु धन कृत्वा प्रत्यय कृत्वा यानी करके। क्री धातु धन कृत्वा प्रत्यय ने कृत्वा यानी खरीद कर। दा धातु धन कृत्वा प्रत्यय दत्वा यानी देकर। पृच्छ धातु धन कृत्वा प्रत्यय पृच्छत्वा यानी पूछकर। जी धातु कृत्वा प्रत्यय जीतवा यानी जीतकर। पच धातु कृत्वा प्रत्यय पकत्वा यानी पकाकर। भू धातु कृत्वा प्रत्यय भूतवा यानी होकर। श्रु धातु कृत्वा प्रत्यय श्रुत्वा यानी सुनकर। नी धातु कृत्वा प्रत्यय नीतवा यानी ले जाकर। ठीक है बच्चों, ये आज आपको मैंने प्रत्यय पढ़ाया है। कृत्वा प्रत्यय, कृत्वा प्रत्यय यानी पूर्वकालिक क्रिया वाला, है ना। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।